नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एजुकेशन चैनल में मैं निखिल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम अपने सीरीज जो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज अगला भाग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें हम 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी 13 सेंटीमीटर है और AD A से BC पर एक प्रकार की खींच गई माध्यिका है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई बताइए। सिंपल से क्वेश्चन ले लेंगे हम। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये दिया हुआ है A, यहां दिया हुआ है B, यहां दिया हुआ है C। उसने बोला है AB और AC बराबर हैं, जो कि 13 सेंटीमीटर के बराबर है, और दूसरा दिया है ए से डी पर एक मध्यिका डाली हुई है। ए से डी पर एक हमने मध्यिका डाल दी जिसकी वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मध्यिका मतलब दो विभाग बराबर भागों में बांट रही है, तो किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष बिंदु से डाली गई आधार पर डाली गई मध्यिका बराबर भागों में बांटती है, साथ में वो परपेंडिकुलर भी होती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अब आपको पता चल गया कि त्रिभुज ए डी बी में डी 90 डिग्री है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर है आपके पास 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी बी की वैल्यू दी हुई है हमको निकालना है, अभी तो हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर। चलिए 13 की वैल्यू होती है 169 स्क्वायर, 12 का होता है 144 बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स 169 माइनस 144 बराबर एक्स एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 160 माइनस 144 मतलब 25, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 5। और हमको पूछी है, ये आई है हमारे पास आधी, यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × BD, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रही है ना माध्यिका है, तो 2 × 5 बराबर हो जाएगा 10। 10 सेंटीमीटर आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ए बी और सी का औसत 18 है तथा सी डी और ई का औसत 12 है। चलिए दिया है, सबसे पहले हमको जो दिया है वो हम लिखते जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर दिया हुआ है 18। साथ में क्या दिया हुआ है, सी डी और ई, सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 3 बराबर दिया हुआ है 12। औसत का मतलब यही होता है ना कि सम का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का नंबर। चलिए तीसरा दिया हुआ है ई और एफ का औसत, तो ई प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 6.5। साथ में ई और सी का औसत दिया है, ई प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 बराबर 3.5। अब वो पूछ रहा है कि ए बी सी डी और ई एफ का औसत क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए हमको, निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइडेड बाय 6 बराबर कितना, ये हमको पूछा है। यदि हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमको दिख रहा है कि ए बी सी भी है इसमें, फिर एक और सी आ जाएगा, डी भी है, ई भी है, फिर एक और ई आ जाएगा, एफ है, तो हमारे पास एक ई ज्यादा है और एक सी ज्यादा है, और हमको नीचे भी एक ई और सी ज्यादा दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हम 3 को जोड़ें और 4 को माइनस कर दें, तो हम क्या को मिल जाएगा, हमको हमको ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ मिल जाएगा। देखिए करके कैसे, हमने इक्वेशन ए बी प्लस सी, अच्छा हम ए बी प्लस सी का मान वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वेशन 1 से 18 × 3 = 54, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम इस तरफ लिख लेता हूं मैं 54। हाँ अब सी डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 36, सी प्लस डी प्लस ई बराबर हो जाएगा प्लस के 36। चलिए आगे क्या दिया हुआ है,
ई प्लस एफ, ई प्लस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.5 मल्टीप्लाई टू, ई प्लस एफ कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 6 6.5 गुणा 2 हो जाएगा 13। अब ई प्लस सी जो दिया हमारे पास, एक ही यहाँ पे ज्यादा है और एक सी भी ज्यादा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इस वाले को माइनस कर देंगे। माइनस ई माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3.5 × 2 यानी 7। चलिए अब एक ई से एक एक्स्ट्रा ई कट जाएगा, एक सी से एक सी कट जाएगा, आपके पास बचेगा ए बी सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर कितना आ जाएगा, इसको आप प्लस कर लीजिए, 54 + 36 कर देंगे 50 और 30 80 और 10 90, 90 और 13 कितने हो जाएंगे आपके पास 103, 103 में से 7 जाएगा 96। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए बी प्लस सी का औसत। तो हमारे पास जो वैल्यू है हमको इसकी चाहिए थी, इसमें से हम 6 का डिवाइड कर देंगे तो औसत पता चल जाएगा, तो 16 आ जाएगा, तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, ए बी एक वृत्त का व्यास है। चलिए सबसे पहले वृत्त ही बना लेते हैं जिसमें ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए पर खींची गई एक स्पर्श रेखा सी बिंदु, सी पर एक बिंदु है, चलिए ए बिंदु पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची गई जिस पर कोई बिंदु सी दिया हुआ है। ठीक है, यदि ए बी बराबर 24 दिया है और ए सी बराबर 7 दिया है, तो उसने बोला है बी सी की मान बताइए, तो हमको ये हमको पता करना है। आप हमेशा याद रखें, जब भी किसी त्रिज्या पर, वृत्त की त्रिज्या पर, वृत्त की परिधि पे एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो वो वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या मतलब कि जब भी किसी वृत्त की परिधि पर एक बाहर स्पर्श रेखा खींची जाती है बाहर बिंदु से, तो वो हमेशा वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जहां भी हमको 90 डिग्री बनाता है हमको समकोण प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय पता चल जाती है, जिसका मतलब हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, हमको बी सी ही निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर रखा रहने दीजिए। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 24 का स्क्वायर, प्लस ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 49, सम करेंगे आ जाएगा 625, और बी सी का स्क्वायर 625, तो बी सी बराबर हो जाएगा √625, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25। तो आपका आंसर कितना हो गया, 25, पहला आंसर सही है आपका। चलिए अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से है हमारा अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉसिक ए प्लस वन प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉसिक ए माइनस वन बराबर 2 हो, तो थीटा की वैल्यू 0 90 के बीच में हो, तो ए का मान बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉसिक ए प्लस वन प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉसिक ए माइनस वन,